तो दोस्तों हमारे पास आ चुका है पोर्टोनिक्स का साउंड ड्रम 1 जो कि एक पोर्टेबल TWS है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे इसके अंदर में क्या कुछ खास देखने को मिलता है, क्या प्राइस इसकी, क्या फीचर्स वगैरह इसके, और उसी के साथ साथ आप इसको कहां से और कैसे बाय कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर लेना, क्योंकि यार आपको आगे भी और ऐसे ही कंटेंट देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करते हैं इसके अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों ये है इसका बॉक्स, जो कि अगर मैं बात करूँ इसकी अनबॉक्सिंग की, तो इसकी अनबॉक्सिंग मैंने पहले ही कर दी थी जब इसको मैंने मंगाया था, जब ऑर्डर आया था तभी मैंने अनबॉक्सिंग कर लिया था, क्योंकि मुझे चेक करना था कि ओरिजिनल चीज़ आया है या फिर नहीं। तो इसलिए अब आप लोगों के भी सामने मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या कुछ खास देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले बॉक्स की, तो यहां पर आपको इसका पी टाइप का जो है लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि कंपनी का ब्रांड का है लोगो, वो देखने को मिल जाता है। और इसके इस साइड पर यहां पर आपको पोर्टोनिक्स साउंड ड्रम 1 देखने को मिल जाता है, उसी के नीचे 10 वॉट TWS पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर, ये चीज़ देखने को मिल जाता है यहाँ पर। और उसी के साथ अगर बात करें इस साइड में, तो यहाँ पर इसका जो डिज़ाइन है इस टाइप का देखने को मिल जाता है, सिंपली लाउड एंड क्लियर, ठीक है। उसके पीछे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत डिटेल देखने को मिल जाती है कि ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ, ये वो सब को, इसकी जो भी कुछ होता है ब्रांड का नेम, मॉडल नेम, ये वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और उसी के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे फीचर्स जो है देखने को मिल जाते हैं, जो कि अगर मैं बता दूँ तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपको देखने को मिल जाता है लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.0, USB पेन ड्राइव, इनबिल्ट रेडियो FM, इसके अंदर आपको रेडियो FM भी देखने को मिल जाता है। और इसके साइड में यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाता है टाइप सी चार्जिंग, यानी कि टाइप सी का चार्जिंग देखने को मिल जाता है इसके अंदर, TWS फंक्शन, और उसी के साथ साथ यहाँ पे हैंड्स फ्री कॉलिंग, यानी इस पर आप कॉलिंग वगैरह भी अटेंड कर सकते हो आराम से। 2000 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और वहीं पर जो कंपनी ना वो इसमें क्लेम करती है कि इसकी जो बैटरी आपको 8-10 hours देखने को मिल जाती है प्लेबैक टाइम विथ 60% and 70% वॉल्यूम, यानी कि अगर आप 50, 60, 70 के वॉल्यूम पर सुनते हो तो इसकी जो बैटरी लाइफ है आपको 8-10 hours तक की देखने को मिल जाती है। बट इसके बारे में भी मैं अभी आगे बताऊंगा आपको कि कितनी बैटरी लाइफ देखने को मिलती है। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं इसके नीचे। और यहाँ पर आपको बॉटम साइड पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये जो सील लगी थी, ये जो मैंने यहाँ पर लगा दी है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो सील थी यहाँ पर लगी हुई थी ऐसे करके, बट मैंने इसको हटा दिया था और इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। तो इसको हम करते हैं अनबॉक्स। तो यहाँ पर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है एक Type-A to Type-C की चार्जिंग की केबल, ये जो आप देख सकते हो, तो ये आपको चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है, इसको रख देते हैं हम साइड में। और यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है आपका TWS, जो कि मैंने ये इसके ऊपर पन्नी लगी हुई थी बट वो मैंने हटा दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको पन्नी के अंदर बस देखने को मिलता है और कुछ नहीं। तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसको रखते हैं हम साइड में और इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या है वैसे। तो इसके अंदर आपको QR कोड और WhatsApp एंड द फोटो, ये सारा कुछ देखने मिल जाता है अगर आप चाहते तो इसके अंदर, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ आपको एक ये मिल जाता है मैनुअल गाइड कि आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हो, ये वो बस ये चीज़ देखने मिलती है, बाकी बॉक्स जो है खाली है। तो बॉक्स को हम रखते हैं साइड में और अब हम बात कर लेते हैं इसकी कि ये हमें कैसे देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की। तो यार अगर मैं बात करूँ इसके डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन मुझे लेटली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है और आई होप कि आपको भी पसंद आया, क्योंकि इसका ना बड़ा सिंपल सा डिज़ाइन है बट बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। उसी के बाद अगर हम बात करें इसके बॉटम साइड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके नीचे यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाते हैं और नीचे आपको एक होल्डिंग मंच की, जो आप अगर फोन रखना चाहते हो इसको तो उसके लिए होल्ड करने के लिए देखने को मिल जाता है। बट इसके भी नीचे यहाँ पर इसके मॉडल नंबर और मॉडल और कंपनी का नाम, 10 वॉट RS फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ बता रखा है कि कितने फ्रीक्वेंसी देता है, क्या क्या चीज़ें, सारा कुछ बता रखा है बॉटम साइड पे। वहीं पर अगर हम बात कर लें इसके टॉप साइड पे, तो यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल देखने मिल जाता है, जहाँ पर आपको साउंड का स्पीकर देखने को मिल जाता है। बात अगर यहाँ पर इसके, तो यहाँ पर आपको पोर्टोनिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको इसके कुछ मेन्यू देखने को मिल जाते हैं, जो कि ये है, आपको यहाँ पे पावर ऑन ऑफ कर सकते हो, वॉल्यूम का जो वॉल्यूम डाउन कर सकते हो, म्यूजिक को प्ले एंड पॉज कर सकते हो, वॉल्यूम को जो है बढ़ा सकते हो, तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बैक साइड पे, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाता है, पता नहीं आपको कैमरा दिख रहा है कि नहीं, कोई नहीं, मैं इसकी अलग से भी वीडियो बना दूंगा। तो जब आप इसको ऐसे ओपन करते हो यहाँ पर, तो ये चीज़ आप ऐसे करके, और यहाँ पर आप एक अपनी
यूएसबी लगा सकते हो और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप एक टाइप सी का चार्जर लगा सकते हो, तो वो चीज़ हो जाती है। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा माइक देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको ये माइक देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। और अगर मैं बात करूँ ना तो काफ़ी अच्छी जगह पर सीक्रेट जगह पर इसको छुपाया हुआ है, फिर आप चाहो तो इसको ऐसे करके बंद कर सकते हो। अब देखो ये सारी चीज़ें तो हमने बात कर ली, और बात करूँ ना कि इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी यार लिटली इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब कि एक प्रीमियम सी फील होती है इसके अंदर। चलिए अब इसको ऑन करके और उसके साथ साथ मैं इसके फ़ोन से अपने कनेक्ट करके इसकी आपको वॉइस सुना देता हूँ कि इसकी जो वोकल है साउंड है इसका कितना पावरफुल है कितना नहीं। तो पहले मैं कर देता हूँ इसको ऑन। पावर ऑन, गेट रेडी टू पोर्ट टू द फ्यूचर। तो फाइनली ये ऑन हो चुका है। अब मैं अपने फोन से इसको एक बार कनेक्ट कर देता हूँ। इसका जो ब्लूटूथ नेम आएगा ना वो भी साउंड ड्रम 1 के नाम से आएगा। यू आर नाउ कनेक्टेड टू योर साउंड ड्रम 1। अब मैंने इसको फाइनली कनेक्ट कर दिया और अब मैं इसमें कोई भी म्यूजिक चला के देख लेता हूँ, जैसे कि जसमाना का गाना चला देता हूँ एक। दोस्तों अगर मैं बात करूँ ना इसके साउंड क्वालिटी की, तो लिटरली मुझे साउंड क्वालिटी ना वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि जो साउंड क्वालिटी ना उसमें जो वो म्यूज़िक है ना वो एकदम क्लियर है, लाउड भी और एकदम क्लियर है, इसकी वोकल जो वगैरह जो एकदम क्लियर देखने को मिलती है। और ये मैंने काफ़ी कम वॉल्यूम पर चलाया क्योंकि मैं अभी ना रात में वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं अगर ज़्यादा तेज़ करूँगा तो हो सकता है आस पड़ोस के मेरे लोग उठ जाएँ, इसलिए मैं इसको काफ़ी कम वॉल्यूम पर चलाया। अगर मैं बात करूँ अपने फ़ोन के वॉल्यूम की, तो मेरे फ़ोन का वॉल्यूम जो है अभी देख सकते हो आप लोग, ये हाफ पे है मेरे फ़ोन का वॉल्यूम, तो इसलिए मैंने इस वॉल्यूम पे चलाया इसे। बाकी अभी जो इसका बाद में मैं ना रिव्यू करूँगा ना डेप्थ रिव्यू, तो उसके अंदर मैं आपको इसकी पूरी पूरी साउंड सुनाऊंगा कि इसकी लास्ट वॉल्यूम आप कहाँ तक ले जा सकते हो। बट अगर मैं अभी लिटली बात करूँ ना सच में, तो आप इसको आराम से बाय कर सकते हो क्योंकि इसकी जो साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और अगर मैं बात करूँ ना अब इसके बैटरी बैकअप की, तो इसकी जो बैटरी बैकअप है फिलहाल मैं अगर बोलूँ तो इसकी बैटरी आपको 5 से 6 घंटे लास्ट देखने को मिल जाएगी अगर आप चलाते हो फुल वॉल्यूम पर तो। और कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि अगर आप 60 से 70 वॉल्यूम पर चलाते हो इसको, तो आपको 8 से 10 दिन की बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको इनबिल्ट FM भी देखने को मिल जाता है और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। बाकी अब अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस आपको Amazon पे 1599 रुपये यानी कि 1600 रुपये में देखने को मिल जाती है। और इसी का जो नेक्स्ट वर्जन है जो कि 20 वॉट के साथ आता है वो आपको 2500 रुपये के या 2600 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते हो तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी जाके आप बाय कर सकते हो। और अगर आप लोग वेट करना चाहते हो इसके रिव्यू का, वो भी डेप्थ रिव्यू का, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको बहुत ही जल्दी इसका रिव्यू बना के दे दूँगा। 3-4 दिन बाद इसका रिव्यू आ जाएगा, तब आप देख के डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये बाय करना चाहिए या फिर नहीं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसी और अमेजिंग टेक वीडियो के लिए। अगर आपका कोई सवाल, आपका कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।